साइड में, उसके बाद पार्सल ट्री डाल दी उसका, तो 2600 में ये भी इंक्लूड है। और ये देखो लाइट्स का रिस्पांस कुछ ऐसा रहेगा, अंदर से देखोगे तो कुछ बढ़िया सा एकदम। ऐसा तो नहीं हुआ कि आप हमारे पास आए हो और कुछ चीजें ना मिली? ना ना ना, वो आपने सारी चीजें प्रोवाइड करी। इवन इन्होंने अश्योर भी किया है कि अगर कोई दिक्कत आती है आप आइए। ठीक है जी, क्रेटा में नीचे से घुमा रहता है, सेल्टोस में ऊपर से घुमा रहता है। क्रूज कंट्रोल बेस टू टॉप वालों के लिए, सबके लिए, सबके लिए है भाई, सबके लिए, सबके लिए है भाई। ठीक है, और विथ एयर बैग के साथ है। अच्छा, की गाड़ियों में एयर बैग का बहुत समस्या रहता है, इसको चेंज करके आप लोग खर्च करने 10,000 रुपए, और 16 से 2 इंच अपग्रेड होगा, 18 होगा, और गाड़ी का लुक ही इससे ही है। हेडलाइट के अंदर अगर आप लोग को इतना नजर आ रहा है ना, तो मान के चलो। आप एक बार ये तो बता दो, जो बढ़िया वाले प्रोजेक्टर लगा दिए, एलईडी लगा दी, इनका क्या कुछ खर्चा रहेगा? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रीत कार्स। आज सामने खड़ी हुई है किया सेल्टोस, और सेल्टोस के साथ खड़े हैं गोलू भाई। आपकी जगह यहाँ नहीं, वहाँ है। नहीं, ब्रेजा के पास। ब्रेजा तो हमारी जानी जाती ही है। हाँ जी, बाकी हम ऑटो गाइड पे जो करेंगे वो किया सेल्टोस मॉडिफिकेशन करेंगे भाई। अच्छा जी, एंड ये एसटी के ऑप्शनल मॉडल है। हाँ जी, और इसके अंदर भी बेस टू टॉप फुल्ली मॉडिफिकेशन कर चुके हैं ये। जैसे कि बीच में किया वालों ने ऑप्शनल वेरिएंट निकाले थे, सोनेट में भी निकाले थे, सेल्टोस में भी निकाले थे। सोनेट, सेल्टोस, कैरेंस तीनों मॉडल में निकाला था। हाँ, तीनों में ऑप्शनल आ रखे थे। बिल्कुल, बाकी इस मॉडल में आप लोगों को अलॉय व्हील नहीं मिलता है। ठीक है, तो वो सारी फुल एंड फिल हम कर देते हैं किया जेन्युइन पार्ट के साथ। ओके जी, क्रूज कंट्रोल नहीं मिलता है। ठीक है, क्रूज कंट्रोल भी लगा देते हैं हम, तो ये सारी चीजें। सीट कवर्स नहीं मिलता, फॉग लाइट नहीं मिलता, मेन हेडलाइट भी व्हाइट येलो आती है। हेडलाइट में डीआरएल तो दे देती है किया, लेकिन पीले बल्ब देती है हेडलाइट, येलो बल्ब आते हैं। हाँ, चलो तो फिर फ्रंट से स्टार्टिंग करते हैं, देखते हैं आपने क्या करा है। सबसे पहले बात करूं तो फ्रंट प्रोफाइल में हेडलाइट के अंदर हैलोजन बल्ब आता है, उसको चेंज करके एलईडी डाल दिया है। कितने वोट लगा दी एलईडी? डाला 340 वोट, 340 वोट की एलईडी हेडलाइट में लगाया भाई। 340? बिल्कुल, ये सिर्फ 340 कहने की तो नहीं रहती, प्रॉपर रहेगा अपना जो स्पेस ऑडियो है वो प्रॉपर रहने वाला है। 340 जो लिखी हो जेन्युइन रहेगी, जेन्युइन रहेगी। और गाड़ी लोड वोड उठा लेगी ना? फुल लोड है, क्योंकि कैनवस एलईडी है। ठीक है, कैनवस जो होता है हमारा, गाड़ी की पावर और हेडलाइट का पावर दोनों लेकर के तब रोशनी देता है आप लोग, मैच करा के चलता है। बिल्कुल, ना बड़े बैटरी। हाँ जी, हाँ जी। तो अब ये बताओ मत, ज्यादा थ्रो दिखाओ इसका। बिल्कुल थ्रो दिखाता हूँ, अब देख लो भाई, दिन सा हो रहा है, अभी प्रॉपर अंधेरा नहीं हुआ है। तो फॉग लैंप में भी बता दो आपने क्या क्या लगाया है। सबसे पहले बात करूं, देखो फॉग लाइट ऑन होगा अभी। हाँ, फॉग लाइट ऑन है। फॉग लैंप के अंदर जो हमने लगाया IPH का प्रोजेक्टर विथ फ्रेम के साथ, कोई भी गैप गुप आप लोगों को नहीं मिलेगा, प्रॉपर रहने वाला है। कितने इंच का है ये रहने वाला? 3 इंच का। 3 इंच में रहेगा ये? 3 इंच में विथ एलईडी लगाया है इसके अंदर। बाकी इसके अंदर भी ऑप्शंस मिल जाता है आप लोगों को, जैसे कि ये प्योर व्हाइट है। ठीक है, तो इसके अंदर जैसे वॉर्म व्हाइट, येलो एंड व्हाइट के साथ होता है, लेकिन जो मजा प्योर व्हाइट का है वो किसी और का नहीं है। 3 कलर में आता है ये, है ट्रायो कलर का आता है। कुछ वारंटी रहती है इसकी? ट्रायो कलर वाले की वारंटी नहीं होती है, इसकी वारंटी मिलेगी आपको 2 साल की। 2 साल की? 2 साल की वारंटी है फॉग लाइट की। तो इसके अंदर एलईडी इनबिल्ट है, अलग से डाली है? अलग से डाली है। अलग से डाली है। एक इनबिल्ट भी तो आता है ना? इनबिल्ट भी आता है, इनबिल्ट का और इसमें बहुत का फर्क है। अच्छा, इसके अंदर थ्रो तगड़ा होगा ना? थ्रो तगड़ा होगा। ठीक है जी, कितने वोट लगाई है इसके अंदर? डाला हमने 220 वोट फॉग लाइट के अंदर। ठीक है, 340 वोट हेडलाइट के अंदर। देखो रोशनी कितनी बढ़िया आ रही है, ये चेक करो टाइम में ही भाई। आप ये चेक, अभी लो बीम है हाई बीम है अपनी? अभी लो बीम है, हाई बीम करूँ क्या अभी भाई? गाड़ी ना थोड़ी सी इनक्लाइन पे खड़ी है, फ्रंट की साइड जो वो आगे की तरफ को डाउन है, तो ये क्या चीज होना है? अभी हमारे फॉग लैंप ऑन है, ये फॉग लैंप ऑन है, देखो भाई। और हेडलाइट बंद करो, बीम, हेडलाइट बंद करो, हेडलाइट बंद करते हैं। सिर्फ फॉग लैंप दिखाएंगे पहले, ये सिर्फ फॉग लैंप ऑन है। अब इनका थोड़ा थ्रो चेक करो आप लोग, जमीन पे देखो भाई, ये सिर्फ फॉग लैंप का थ्रो है, ये हो गया हेडलाइट। अब हाई बीम पासिंग वगैरह सब कुछ चलने वाला है, बढ़िया थ्रो नजर आने वाला है, बहुत ही बढ़िया थ्रो है भाई। डेलाइट के अंदर अगर आप लोग को इतना नजर आ रहा है ना, तो मान के चलो रात के टाइम पे तो आपको, रात के टाइम पे आपको कंप्लीटली मजा आ जाएगा, उस बात में दो राय नहीं है किसी भी तरीके की। ठीक है जी, लाइट्स के अंदर ये काम हो गया फ्रंट में, फ्रंट प्रोफाइल से लाइट सेटअप में बहुत ही बढ़िया काम करा। अगर किसी भाई का और बढ़िया बजट है, हाँ, तो उनके लिए हम डालेंगे टॉप मॉडल वाली हेडलाइट। पर मैंने सुना है टॉप मॉडल की लाइट रोशनी नहीं होता, मेन लुक वाइज होता है। हाँ, उनके लिए भी हम नीचे लगाएंगे प्रोजेक्टर। ठीक है, अगर हम उनको रेफरेंस करते हैं कि टॉप मॉडल वाली हेडलाइट लगाइए, तो नीचे प्रोजेक्टर डालेंगे, जिससे कि थ्रो बना रहा है रोड पे, थ्रो बना रहा है रोड पे, आपको दिखने में दिक्कत ना हो। वो कितने की लगाओगे? वो डाल देंगे भाई हम टॉप मॉडल वाली हेडलाइट आप लोगों के लिए 40,000 रुपए का, क्योंकि किया का माल बहुत एक्सपेंसिव रहता है। आज 40,000 रुपए का हेडलाइट दे देंगे आप लोग, सोनेट से तो सस्ती है। बिल्कुल, बाकी ग्रिल की बात करूं तो ग्रिल में डीआरएल मिल जाएगा आप लोगों को बीच में सेंटर में। ठीक है, एंड क्रोम वाली ग्रिल और बीच में पियानो ब्लैक का कंट्रास्ट आ जाता है उस ग्रिल के अंदर। मतलब पूरी जो है किया की टाइगर नोज ग्रिल है, इसको भाई जैसे भी सूखी सूखी है ना, हाँ, मतलब इसको पूरी कंप्लीट बना देंगे, कंप्लीट बना देंगे, उसके बाद ही गाड़ी का लुक आता है भाई नेक्स्ट लेवल, फ्रंट से और मतलब टॉप मॉडल से भी तगड़ी हो जाएगी, तगड़ी हो जाएगी। ठीक है, ग्रिल भी मिल जाएगा आप लोगों को डीआरएल के साथ, ओनली 18,000-20,000 रुपए का। अब एक बार ये तो बता दो, जो बढ़िया वाले प्रोजेक्टर लगा दिया, एलईडी लगा दी, इनका क्या कुछ खर्चा रहेगा भाई? फॉग लैंप की एलईडी का खर्चा आता है 5,000 रुपए का, हेडलाइट की एलईडी का 6,000-7,000 रुपए
देगा 340 वोट का, 340 वोट हाँ जी, कम वोट की लोगे तो कम पैसों की, कम पैसों की आएगी। ठीक है, तो फ्रंट के अंदर अपना सारा काम कम्प्लीटेड है और प्रोजेक्टर की एक साल की गारंटी है, प्रोजेक्टर की भी दो साल और हेडलाइट के लिए भी दो साल, दोनों की दो दो साल, दो दो साल की वारंटी। ठीक है, मतलब वारंटी बढ़िया मिल जाएगी, ऑटो गाइड पे आओगे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, कोई टेंशन वाली बात। ठीक है जी, साइड प्रोफाइल में साइड प्रोफाइल बात करूँ, स्टील रिम एंड व्हील कवर आप लोगों को देती है किया, 16 इंची का, ठीक है, उसको चेंज करके हम लोगों ने लगा दिया 18 इंचीज का अलॉय व्हील किया जेनमैन। और भाई बात करूं किया जेनमैन अलॉय व्हील डाला है, कैलिवर को कर दिया रेड पेंट एंड किया का कैप लगा दिया रेड वाला, जिससे गाड़ी का लुक एक बहुत ही बढ़िया इनहेंस हो जाएगा साइड से। ठीक है जी, तो गोलू भाई एक चीज बताओ, इस पर टायर साइज कहाँ लिखा हुआ है? टायर साइज लिखा हुआ है, ये चेक करो भाई, 215/55 R18 इंच के अंदर टायर डाल दिया है, तो ये चेक कराना जरूरी है। और जो पुराना आप टायर वायर आता है वो ले लेते हो? हाँ, वो हम भाई एक्सचेंज लेंगे, वो टायर हम ले लेंगे, ठीक है, एंड नया टायर और अलॉय आपको डाल देंगे। क्या खर्चा लोगे इसका भाई साहब? इसका खर्चा हमारे पास 25,000 रुपए से अलॉय स्टार्ट है, 55,000 रुपए तक की अलॉय हमारे पास अवेलेबल है। और ये वाला कितने का आएगा भाई? ये वाला भी आ जाता है, मतलब 50-55 हज़ार की रेंट में ये वाला आता है, ये वाला आ जाता है। हाँ, क्योंकि ये थोड़ा 18 इंच टायर वायर साथ है, अलग है, टायर अलग आएगा भैया, टायर का डिफरेंस जो आपका 16 लेकर के एंड हम आपको 18 दे देंगे, उसका 5-10 हज़ार रुपए खर्चा आता है एडिशनली, 5-10 हज़ार और, हाँ, मतलब मोटा मोटी मान के चलो 50 और 10-60 हज़ार रुपए में टायर और ये दोनों आ जाएंगे, दोनों चीज आ जाएंगी, दोनों चीज आ जाएंगी। और 16 से 2 इंच अपग्रेड होगा, 18 होगा, और गाड़ी का लुक ही इससे ही है, लुक इससे ही है, लुक इससे ही है, छोटी छोटी गाड़ी दिखती है। सही बात है, सही बात है भाई, हम अपनी सेल्टोस भी चलाते हैं ना, तो 16-18 का फर्क तो है, वो चीज बिल्कुल फर्क है। ठीक है, अब साइड प्रोफाइल में और क्या? साइड प्रोफाइल में इस गाड़ी में ऑटो एडजस्टिंग आता है एंड इंडिकेटर मिलते हैं मिरर के अंदर। ठीक है जी, आप लोगों को ऑटो फोल्डिंग कराना है ओनली ऑन 12,500 रुपए में मिरर लगा के दे दूंगा, सब कुछ, सब कुछ, बटन बटन, हाँ जी। ठीक है जी, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, ओनली 12,500 12,500 में आपको ये मिल जाएगा, मिल जाएगा, और ऑटो फोल्डिंग वाला वो भी। ठीक है जी, जैसे सोनेट के बेस मॉडल में आता है ना वो वाला मिरर इसके आप लोगों को, इसमें देखो इंडिकेटर मिल जाता है आप लोगों को इस तरीके से, कुछ ये देखो इंडिकेटर वगैरह सब कुछ मिल रहा है, इंडिकेटर मिलता है एंड ऑटो फोल्डिंग मिलता है, ऑटो फोल्डिंग कर देंगे। हाँ, ठीक है जी, मतलब मिरर ही चेंज होगा, मिरर ही चेंज हो जाएगा, इसमें ये चीज नहीं हो सकती जैसे आप ब्रीजा में मोटर लगा देते हो यही शीशा चल जाए, वो इसमें हो सकता है? इसमें भी हम आए हैं तो कुछ करेंगे जरूर, इसमें भी ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल ट्राई करेंगे। ठीक है, पर अभी कमिटमेंट नहीं है, इसके लिए हम ट्राई अभी क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हम एक दो गाड़ी में नए मिरर लगाएंगे, उनके उतरे मिरर रखेंगे और उसमें हम पहले कुछ चेक करेंगे, उसमें टेस्टेड करेंगे, उसके बाद हम गाड़ी में लगाएंगे। ठीक है जी, उसकी अभी पहले अभी इन डेप्थ टेस्टिंग होगी, जब रिजल्ट ओके रिपोर्ट आएगा तब इंस्टॉलेशन हो जाएगी, तब इंस्टॉलेशन होगी, तो अभी उसके लिए कमिटमेंट नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। फुट स्टेप भी डाला है आपने इसमें? बाकी इसमें हमने फुट रेस्ट लगाया है, ठीक है, या सेल्टोस का प्रॉपर वाला, बाकी इसमें डिजाइन बहुत सारे मिल जाएंगे आप लोग। ये कितने का रहेगा भाई? हमारे पास फुटेज स्टार्ट है 5,500 रुपए से लेकर के 10,500 रुपए तक के मॉडल्स हैं, ठीक है, जैसा आप पसंद करोगे वैसा मिल जाएगा, जैसा आप पसंद करोगे वैसा मिल जाएगा। ठीक है जी, उसके अलावा साइड प्रोफाइल में और क्या कुछ है? ऊपर रूफ रेल लगा दिया है, डुअल टोन के अंदर रहने वाला है, ठीक है, सिल्वर एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन है, इसमें भी मॉडल मिल जाएगा 2200 वाला रहने वाला, 2800 वाला है, पेस्टिंग पेस्टिंग वाला, कहीं नहीं जाता भाई, 1.5 साल हो गया मैं भी अपनी कार में मतलब यूज कर रहा हूँ सेल्टोस में, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता भाई, कुछ नहीं होता, काफी अच्छी खासी टेस्टिंग भी कर ली हमने तो, बिल्कुल। बाकी रेन वाइजर मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है, इसमें भी 2-3 ऑप्शंस है, 500, 1,000, 1,500 जैसा आप पसंद करेंगे वैसा मिल जाएगा, मल्टीपल रेंज अवेलेबल है, अवेलेबल है। कस्टमर अगर हमारे पास आ रहे हो तो उनको कुछ ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमारे बजट में काम नहीं हुआ, जैसा बजट है वैसा काम है। ठीक है जी, जी ठीक है, अब ये साइड प्रोफाइल की चलो छोटी छोटी चीजें, लोअर विंडो गार्निश, हैंडल क्रोम, डोर गार्ड कॉम्प्लीमेंट्री, नीचे साइड बिटिंग, साइड बिटिंग, ठीक है, तो यही सारा काम था। चलते हैं रियर प्रोफाइल में, सबसे मेन चीज दिखाने, ठीक है जी, रियर में आ जाओ। तो भाई रियर प्रोफाइल में आप लोगों को कनेक्टिंग टेल लाइट नहीं मिलता है, हाँ जी, एलईडी वाली भी टेल लाइट, ये बीच वाले चलती नहीं है, हाँ, तो उसको चेंज करके आप लोग खर्च करने 10,000 रुपए, जिसमें हम कनेक्टिंग टेल लाइट सेंटर सेंटर लगाएंगे, ठीक है, ठीक है जी। 10,000 रुपए के बाद आपको खर्च करने 5,000-5,000 रुपए और, 20,000 रुपए जिसमें साइड वाली मिल जाएंगी। अच्छा, 20,000 में तीनों दे दोगे? तीनों दे देंगे 20,000 रुपए भाई। चलो भाई, 5,000 रुपए का आपको राइट साइड का, 5,000 रुपए का लेफ्ट साइड का, और 10,000 रुपए का बीच का सेंटर वाला। चलो मतलब कुल मिला के अगर इसकी देखी जाए तो इसकी तो सस्ती मिल रही है आपको, फिर भी सोनेट के मुकाबले, सोनेट की तो काफी एक्सपेंसिव है जी, क्योंकि अगर आप इसको नहीं लोगे तो सिर्फ बेस मॉडल में या फिर इस मॉडल में भी सिर्फ ये जलता है, वो भी बल्ब होता है, बल्ब होता है, और इसको आप कम्प्लीटली भाई चेंज कर दिया है भाई। देखो आपको ये वाला इंडिकेटर भी आपको एलईडी में मिल रहा है, ठीक है, रिवर्स लाइट भी एलईडी में मिल रहा है, पूरी कनेक्टिंग लाइट का जो लुक है वो एक अलग ही है भाई। हाँ, इसके बिना गाड़ी इनकम्प्लीट है भाई, मतलब अनसुनी सुनी लगते हैं, मतलब लगती नहीं है कि इस सेगमेंट की गाड़ी में आप लोग बैठे हैं। वो तो बात बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ। और मुझे लग रहा है स्पॉइलर भी डाल दिया है भाई, स्पॉइलर भी लगा दिया है, ये चेक करो भाई, देखो प्रॉपर स्पॉइलर रहने वाला है, कोई यूनिवर्सल स्पॉइलर वगैरह नहीं होता है, और 0-0 H2S फिटिंग रहने वाली है, H2S चेक आउट करो,
ये कितने का लग गया अपना भाई? 2600 रुपए का ओनली ऑन पेस्टिंग। ठीक है, आप डिग्गी में दिखाते हैं पार्सल ट्रे चेक करो अभी इसके भाई, यहाँ पे इसकी रस्सी बंध जाएगी। हाँ, तो अभी इसमें हम लॉक लगा देंगे, लॉक लगने के बाद ये अपने आप ऊपर नीचे लॉक लग जाता है। हाँ ठीक है, तो ये ओरिजिनल है भाई? ओरिजिनल नहीं है, ये आफ्टर मार्केट रहने वाला है। आफ्टर मार्केट है। हाँ। ठीक है भाई, जो चीज जैसे वो आपको बता दें, हम क्लियरफाई करके काम करते हैं। ठीक है, अच्छा इस वाली सेल्टोस में तो साइड का आता है, साइड का पैनल नहीं आता, ये भी हमने लगाया। अच्छा, ये भी लगाया ना? हाँ। मुझे लगा इस मॉडल में दे रहे हैं, वरना इस मॉडल में भी नहीं आती भाई ये चीज भी। ये पैनल हमने लगाया है साइड में, उसके बाद पार्सल ट्री डाली है उसका, तो 2600 में ये भी इंक्लूड है। हाँ जी, ये भी आ जाएगा, साइड का कॉर्नर भी आ जाएगा ना? बिल्कुल आ जाएगा। सोनेट में तो मिल जाता पर सेल्टोस में नहीं आता, तो ये चीज के अंदर इंस्टॉल करनी पड़ती है। बिल्कुल। बाकी बात करूं, चारों दरवाजे में डुअल लेयर डैम्पिंग करी है, जो यहाँ बजा लीजिए ठीक है, और यहाँ बजा लीजिए, फर्क तो है, बहुत ही फर्क है। डुअल लेयर डैम्पिंग करी है, जिससे फायदे होते हैं, रोड नॉइस की आवाज नहीं आएगी, स्पीकर क्वालिटी इनहेंस हो जाएगा, गाड़ी के डेमे अगर बजने बुझने की आवाज नहीं आएगा, एसी कूलिंग पे भी, क्योंकि चद्दर जो रहता है ना, हाँ जी, वो ज्यादा गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है। पर्सनली अगर मैं मेरा एक्सपीरियंस बताऊं, अपनी सेल्टोस में हो रखी है, हम यूज कर रहे हैं 1.5-2 साल से, बहुत फर्क है इस चीज का, बहुत फर्क है। अब अगर सेल्टोस आप लोग ले रहे हैं तो डैम्पिंग कराना बहुत ही जरूरी की चीज है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। चले अंदर? बिल्कुल बिल्कुल, चलो आओ, अब आपको अंदर लेके चलता हूँ। गोलू भाई, डोर कैसे खाली खाली छोड़ दिया भाई? डोर के अंदर खाली एम्बियन लाइट लगाया है, बाकी आप लोगों को काम करवा सकते हो डोर में इंटीरियर का। कस्टमर की रिक्वायरमेंट नहीं थी इसलिए हमने नहीं करा है, भैया ने कहा, भैया कस्टमर की रिक्वायरमेंट नहीं थी कि डैशबोर्ड पे भी लेदर रैप नहीं चाहिए, आर्मरेस्ट पे भी नहीं चाहिए, एंड डोर पे भी नहीं चाहिए, ओनली सीट कवर चाहिए प्रीमियम क्वालिटी का, तो इसलिए आपने जैसा उन्होंने बोला वैसा काम कर दिया। बाकी जो कस्टमर हमारे पास आ रहे हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट फुल एंड फिल होनी चाहिए। सही बात है जी, वो खुश होकर के जाएं काम करवा कर। तो ऐसा ये कलर वगैरह डिजाइन उन्होंने फाइनल करा था या ये उन्होंने ही फाइनल करा? उन्होंने ही फाइनल करा। हाँ। था तो ठीक है भाई, लो ऊपर से नीचे तक चेकआउट करो। बिल्कुल, बाकी प्रीमियम क्वालिटी है और नीचे तक देख पा रहे होंगे आप लोग, कहीं से कहीं तक कोई भी गैप गुप आप लोगों को नहीं मिलेगा, और विथ एयर बैग के साथ है। अच्छा, किया की गाड़ियों में एयर बैग का बहुत समस्या रहता है, जिससे कंपनी डरा देती है लोगों को। हाँ जी हाँ जी, भैया सीट कवर मत लगाना, भैया सीट कवर्स मत लगाना, नहीं तो आपका एयर बैग नहीं खुलेगा, आपकी गाड़ी में एयर बैग नहीं खुलेगा। हाँ जी हाँ जी, ऐसा कुछ समस्या नहीं रहने वाला। चलो भाई, एयर बैग वाले लगा दिए मैं इस पे आता। और गोलू भाई, जैसे ये थोड़े बहुत ये सब निशान है, इनका क्या? ये भैया कपड़े का फोल्डिंग का निशान है, ये सब निकल जाएगा, अपने आप चला जाएगा। बिल्कुल, बाकी हमारी फैक्ट्री है, आपको हम फैक्ट्री भी दिखाएंगे किस तरीके सीट कवर वगैरह बनता है, एक सेटअप हम आपको और दिखाएंगे। ठीक है, चलो वो किसी और दिन दिखाएंगे। पर अभी इसके अंदर ब्लैक और ये ऑफ व्हाइट कलर का इसके अंदर कॉम्बिनेशन बना दिया है, कंप्लीट बकेट सीट कवर्स लगा दिए, फुल बकेट सीट कवर, फुल बकेट सीट कवर लगा दिए हैं। और उसके अलावा नेक्स्ट चीज अगर दिखाई जाए, नेक्स्ट चीज स्टीयरिंग कवर करा OEM स्टिचिंग वाला, 0-0 वाला, ये चेक करो आप, वो भी देख पा रहे होंगे कितना प्यारा रहने वाला है, ये पूरा एज टू एज आप लोग चेकआउट कर सकते हो भाई, ऐसा कुछ इन्होंने स्टीयरिंग व्हील रैप करा है इसका। हाँ। तो ये सुई धागे से अपना सिल देते हैं भैया। बाकी स्टीयरिंग कंट्रोल की बात करूं, अगर आप लोगों को लगाना है स्टीयरिंग कंट्रोल, तो ओनली ऑन आप लोगों को मिल जाएगा 2000 रुपए का, 2000 रुपीज सिर्फ स्टीयरिंग कंट्रोल, सिर्फ स्टीयरिंग कंट्रोल। क्या ये क्रूज कंट्रोल बेस टू टॉप वालों के लिए? सबके लिए, सबके लिए है भाई, सबके लिए है, सबके लिए है भाई। ठीक है, ये 2000 रुपए का ये दे देंगे। हाँ, और 3500 रुपए का क्रूज कंट्रोल दे देंगे, ओरिजिनल किया का, ओरिजिनल किया का, चाहे हमारे पास एक चीज लगवाइए चाहे बेस टू टॉप कराइए। ठीक है, और भाई ये ओरिजिनल ऑन होने की यही निशानी है, जो नई वाली सेल्टोस आ रही है उसके अंदर लिखा था क्रूज कंट्रोल कंडीशन नॉट मेट, और जो पुरानी वाली सेल्टोस है उसमें यहाँ पे ऊपर इस जगह क्रूज लिखा जाता है, ये दोनों के अंदर डिफरेंस रहता है ना? ठीक है जी, 3500 रुपए में ये चला के दे दिया। हाँ, उसके अलावा स्टीयरिंग रैप हो गया, ये कंपनी से आता है, ये कंपनी फिटेड स्टूडियो है। बाकी स्टूडियो के लिए मैं बात करूं तो हमारे पास 9 इंच से लेकर के 13 इंच तक अवेलेबल है, 12.33 का भी, और प्रॉपर फिटमेंट वाला। बाकी आपका बजट जैसा है वैसा लगा सकते हो, 5500 रुपए से स्टार्ट है, 18-20 हजार रुपए तक की क्वालिटी का हमारे पास अवेलेबल है। और अगर किसी को बेस मॉडल में ये वाला लगाना हो, सेम टॉप मॉडल, तो भाई ये वाला भी अवेलेबल हो जाएगा बहुत जल्दी, हमने ऑर्डर लगा रखा है, किया में आने वाला है। ठीक है, तो भाई ये वाला भी आपके लिए मिल जाएगा बेस मॉडल, बेस मॉडल में अगर आपको बिल्कुल वाला चाहिए। बाकी ये भी गाड़ी के अंदर जो रहने वाला है वो गियर नो बेस मॉडल वाला, अगर आपको टॉप मॉडल वाला लगाना है तो वो भी मिल जाएगा ओनली ऑन 3000 रुपए में, 3000 रुपए में ये भी दे दोगे? ये भी दे देंगे। चलो जी भाई, 3000 रुपए में अगर आपको ये चाहिए तो आपको ये भी मिल जाएगी, जिसमें पुश बटन वाली रहती है, और कंपनी से स्टॉक जो इसकी असेंबली आती है वो ऐसी आती है। और हम इस वाली को निकाल देते हैं, और ओरिजिनल किया कि इसके अंदर
ये वाली लगा देते हैं बिल्कुल ओरिजिनल लेते हैं, कोई आफ्टर मार्केट वाला सीन नहीं है और ये प्रॉपर बढ़िया काम हो जाता है। तो ये सीट कवर कितने का लगा दिए वाले? ये हमारे पास सीट को स्टार्ट है 5500 रुपए से लेकर के 18-20 हजार रुपए तक की क्वालिटी का, तगड़े तगड़े जैसा आपका बजट है वैसा लगा सकते हो आप लोग। ठीक है ठीक है, उसमें कोई भी समस्या वाली बात नहीं है, अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, फैक्ट्री रेट पर ही आप लोगों को सीट कवर मिल जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग प्राइस है वो आपको बढ़िया वाला मिल जाएगा बिल्कुल। और ये एम्बिएंट लाइट कौन सी लग गई? एम्बिएंट लाइटिंग K4 है एंड 64 कलर ऑप्शंस के साथ है। बटन कहाँ है इसका? ये ऐप कंट्रोल है भैया ने बटन नहीं लगवाया, कह रहा बटन नहीं चाहिए मुझे, ऐप से चाहिए बस, ऐप से ही चाहिए बस। ठीक है, तो इसके अंदर एक पीस, दो पीस, तीन पीस, चार पीस और छह पीस, छह पीस वाले लग गए। एक साल की गारंटी? गारंटी के साथ, एक साल की गारंटी के साथ में जी। तो मतलब किया सेल्टोस के अंदर आज आपने, ये छोटा मोटा है फिर आप कह सकते हो कि ठीक ठाक सा काम कर दिया, बिल्कुल बेस्ट टू टॉप नहीं बनाई है, बेस्ट टू टॉप क्योंकि एसटी के ऑप्शनल मॉडल था, तो सिस्टम कैमरा स्पीकर तो लग करके आते, लेकिन तब भी स्पीकर चेंज करे हमने इस गाड़ी के। अच्छा, कौन सा डाल दिया? फोकल कंपोनेंट, पीछे कोएक्सल डाला है, कोएक्सल डाला, थोड़ा अच्छी क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी का साउंड के लिए। ठीक है जी, और ये देखो लाइट्स का रिस्पॉन्स कुछ ऐसा रहेगा, अंदर से देखोगे तो कुछ बढ़िया सा एकदम तगड़ा थ्रो रहने वाले, लाइट के रिस्पॉन्स का हम लोग कोई दिक्कत वाली बात कोई नहीं दिक्कत वाली बात। तो भैया से एक बार रिव्यू ले लेते हैं, चलते हैं बाहर। तो भाई देखो आप लोगों को जो ये सेल्टोस दिखा रहे थे जिसके अंदर सभी कुछ काम हुआ है, ऑलमोस्ट काफी सारी चीज लगी है, तो गाड़ी को ऑन करते हैं भैया। तो भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक है। तो आप कहाँ से आए हैं भैया? मैं रुद्रपुर से आया हूँ, रुद्रपुर से, दिल्ली काफी दूर जी। तो मतलब कैसे मिला रेफरेंस यहाँ का? ये गोवा मेरे एक दोस्त हैं दिल्ली में, उन्होंने अपनी विटारा कराई थी। अच्छा, लास्ट ईयर में अपनी विटारा लेके आया था। अच्छा, तो तब से मैं गुल्लू भाई को जानता हूँ। अच्छा, तो गुल्लू भाई हमें सारी चीजें ऑप्शन में प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है जी, और खास ध्यान रखते हैं हमारा हर तो, चीज में अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है, सेटिस्फाई है, इसलिए हम तो अपनी कार हम हमेशा इनको रिफर करते हैं। कोई भी दोस्त हैं, अभी मेरे साथ भी मेरे एक फ्रेंड आए, उन्होंने भी अपनी कार के लिए यहीं के लिए उन्होंने प्लान किया हुआ है कि मतलब लेके इनसे ही काम कराना है। बाकी किया जनरल पार्ट मिले? किया के जनरल पार्ट मिले, क्रूज कंट्रोल वगैरह सब वर्किंग हो गया, बेस मॉडल के अंदर सब वर्किंग है, अलॉय व्हील वगैरह सब कुछ मिल गया। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा तो नहीं हुआ कि आप हमारे पास आए हो और कुछ चीजें ना मिली? ना 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 ना, वो आपने सारी चीजें प्रोवाइड करी। इवन इन्होंने अश्योर भी किया है कि अगर कोई दिक्कत आती है आप आइए, हम आपको जितना बेहतर हो सकता है उतना सर्विस प्रोवाइड करेंगे। कोई चीज खराब होती है विद इन वारंटी है तो कोई दिक्कत नहीं, इमीडिएटली चेंज कर देंगे, रिप्लेस करके दे देंगे। और क्रूज लगाने में तार वार तो नहीं काटी? ना ना, मेन लोगों को ये डर रहता है वायर कटने का, ऐसा वारंटी के साथ कोई इन्होंने वो नहीं किया है, कोई छेड़खानी नहीं हुई है, कपलर टू कपलर फिटिंग है। ठीक है, तो मतलब ओवरऑल आप तो सेटिस्फाई हो? सेटिस्फाई, तो मतलब आप रिकमेंड करोगे कोई काम वाम कराने तो? हमारी ऑडियंस आपको देख रही हो, चाहे उत्तराखंड से हो, चाहे यूपी से हो और भी अदर स्टेट से, तो आप उनको रेफरेंस करेंगे कि जेन्युइन प्राइस पर और बढ़िया काम मिल रहा है यहाँ पर, बेस्ट डील मिल रही है? बिल्कुल बिल्कुल, रेफर करेंगे, रेफर करेंगे। ठीक, किसी भी चीज में कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं आई? ना ना ना, अभी कोई दिक्कत नहीं आई, हर चीज पूछ के करी, ऐसा नहीं कोई कोई अपने मन से किया इन्होंने। हाँ ठीक है, हर चीज का पहले प्राइस बताया इन्होंने, प्राइस जो मुझे एंड सेटिस्फेक्शन जब तक नहीं मिलेगी जब तक हम नहीं लगाएंगे, जब तक भैया ग्रीन सिग्नल नहीं देंगे तब तक काम कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलो ये एक जरूरी चीज है, और बाकी ठीक है, इस वीडियो में इतना रखते हैं। ठीक है भैया, थैंक यू, और भैया ने अपना सारा डिटेल बताई सब कुछ, ओवरऑल ऐसा कुछ इनकी तैयार हुई है किया सेल्टोस, बाकी सेल्टोस के लिए प्रॉपर फिटमेंट ग्लोपंग में भी आ चुका है हमारे पास, एक्सेल फिट में, एक्सेल फिट में ग्लोपंग के लिए भी आ चुका है ये भी, तो उसका अच्छा ये भी किया गया है। हाँ, ये क्रेटा है, क्रेटा का है, बोरा ऊपर सेल्टोस का। ठीक है जी, ठीक है जी, क्रेटा में नीचे से घुमा रहता है, सेल्टोस में ऊपर से घुमा रहता है, बाकी सारे नीचे तक सारे ब्रांड आपको मिल जाएगा, बहुत कुछ है यहाँ पे आपके लिए, बहुत सारी वैरायटी रहने वाली है। बाकी स्पीकर सेगमेंट की बात करूँ तो मोरेल का भी मिल जाएगा आपको सारे सेगमेंट, ठीक है, बाकी JBL वगैरह का मिल जाएगा एंड इन्फिनिटी का मिल जाएगा, MTX ऑडियो मिल जाएगा, कीकर बेस्ट चल रहा है आज के समय वो मिल जाएगा, एंड फोकल वगैरह सारे ही ब्रांड मिल जाएंगे, मतलब ठीक है मल्टीपल रेंज अवेलेबल, मल्टीपल रेंज अवेलेबल है। बाकी ये नहीं कि अगर आप हमारे पास आ रहे हैं तो आपको हमारे शोरूम में हर चीज मिलेगा। ठीक है भाई, सारा सामान रख रखा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, हाँ जी, अवेलेबिलिटी सब चीज की रहने वाली है। तो ठीक है, इस वीडियो को एंड कर देते हैं और होगी भाई कंप्लीट सेल्टोस, अगर आपको भी कराने ऐसा तो कुछ भी काम कराना है तो आपको आना है ऑटो गाइड कार एसेसरीज पर, और बेस्ट डील पाना है, बेस्ट डील पानी, और नंबर स्क्रीन पर मिल जाएगा। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।